सब टीवी पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल बालवीर रिटर्न्स में इन दिनों काफी कुछ देखने के लिए मिल रहा है। सबसे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट जो शो में इन दिनों चल रहा है वो है अनन्या की कंफ्यूजन नकाबपोश को लेकर। भाई ये तो सभी देख चुके हैं कि किस तरह से अनन्या को ये कंफ्यूजन होती है कि उसने नकाबपोश को देख लिया होता है, जबकि नकाबपोश देबू है, लेकिन अनन्या जिसे नकाबपोश समझ रही है वो है रे। अब इस बात से वो बहुत ही ज्यादा खुश है और एक्साइटेड है और अपनी इस खुशी को वो जाहिर करेगी देबू और विवान के सामने। जी हाँ, अनन्या बताएगी विवान को कि उसने फाइनली नकाबपोश का चेहरा देख लिया है और वो इस बात से है बहुत ही ज्यादा खुश। लेकिन बता दे कि यहाँ पर अनन्या की बात सुनकर विवान होने वाला है बहुत ही ज्यादा परेशान, क्योंकि विवान सोचेगा कि उसने भी तो नकाबपोश को ये कहा था कि वो उसे अपनी पहचान बताए, लेकिन नकाबपोश ने ऐसा नहीं किया। अब वो भी यही सोचेगा कि उसे किसी भी हाल में देखना है नकाबपोश का चेहरा, वो करेगा नकाबपोश को याद। लेकिन किस तरह से इन सब की ये कंफ्यूजन होगी दूर, कैसे अनन्या को ये पता चलेगा कि वो जिसे नकाबपोश समझ रही है वो कोई और है, वो किस तरह से देव उस पूरे मामले को सॉर्ट आउट करता है, ये देखना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। इसके अलावा अगर बात की जाए तो शो में काफी ड्रामा चल रहा है, क्योंकि रे की एंट्री के बाद ही शो में ट्विस्ट की बहार आ गई है। एक तरफ जहां रे अब अनन्या और देबू के कॉलेज में आता है, इसी वजह से अनन्या को ये सारी कंफ्यूजन होती है। अब जहां अनन्या जो नकाबपोश को चाहती है, देबू जिसका अपना एक अलग मकसद है, तो रे अपने अलग मकसद से आया है। इन तीनों के अपने अलग अलग मकसद हैं और ये अपने मकसद में किस तरह से कामयाब हो पाएंगे, यही देखना होगा, बहुत दिलचस्प। वेल, आपका क्या कहना है आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही साथ देखते रहिए सब टीवी पर बालवीर रिटर्न्स।